आज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो क्वेश्चन आंसर से पेज नंबर सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहां से पेज नंबर 22 पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कंप्लीशन चेक का। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद विदु इन द बैकयार्ड। क्या पूछ रहे क्वेश्चन फर्स्ट में, जो मीना थी उससे कौन से सीक्रेट्स विदु से शेयर किए थे कहां पर बैकयार्ड में पीछे की साइड में। इसका आंसर है इन द बैकयार्ड बिहाइंड a thin peter berry bush. There is inside a dog ball linked with setting and filled with sand like a very small peter lifting a milk from open a shut and half shell. They found him outside the gate this morning. That was secret Mina's shell and peter. Kya hua isa mani? Mina ni kaun sa secret shell kiya thi? कि जहाँ पर बैकयार्ड में उसे लेकर गई थी वहां पर कुछ मतलब वहां पर उसने किटन को छोटी सी बिल्ली को छुपा कर रखा था। और जो कोकोनट शेल होता है कोकोनट शेल से जो पीने वाला कोकोनट आता है उसका जो बाहर का पार्ट बचता है कोकोनट शेल उसमें जो वो किटन थी वो क्या कर रही थी मिल्क पी रही थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसके बाद सेकंड थर्ड नहीं करना है इसे कट कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी फोनाई दिस शो दैट। इसका फर्स्ट है ही इज नियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस रिदु। रवि ने क्या सोचा था रिदु को इम्प्रेस करने का सोचा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड उसे जो साउंड था साउंड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था क्या। नेक्स्ट ही इज अ रिच इमेजिनेशन ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। क्या वो इंटेलिजेंट चाइल्ड है तो क्या आ जाएगा इसमें। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टेड वी डू एंड महेंद्र। क्या हुआ था जो आवाज आई थी उससे जो मृत्यु है और क्या था महेंद्र महेंद्र को था जो किटन थी उसका नाम क्या था महेंद्र वो क्यों एकदम डर गए थे। इसका आंसर क्या है लली लवली टू प्ले द वायलिन। जो लली थी था वो क्या कर रहा था वहां पर वायलिन बजा रहा था और सुन रहा था वहां पर म्यूजिक की क्लास चल रही थी उसकी आज की स्क्वाइट थी रीडो को और महिंद्रा को। देन आगे कंटिन्यू करेंगे अब देखेंगे कंप्रेशन चेक का पेज टर्न कीजिए पेज नंबर 28 पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द म्यूजिक मास्टर इज नैनी लवली म्यूजिक रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट अबाउट एक्सप्रेसिस दिस आइडिया। जो म्यूजिक मास्टर थे वो बहुत ही अच्छा बहुत ही लवली प्यारा सा सॉन्ग सुना रहे थे अपने आइडिया उस पर एक्सप्रेस करना है अपने को कि मेरे को कैसा फील हो रहा था जब वो सुना रहे थे म्यूजिक को।
बोला था कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तुम जाओ और दूसरे किसी घर से अपने को